देखिए, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 2 बहुपद, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य, एनसीईआरटी कोर्स की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। सवाल कह रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। द्विघात बहुपद का मतलब होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। यदि शून्यांकों का योग और गुणनफल नीचे दिया गया हो, तो उसका पहला सवाल बोल रहा है, अगर शून्यांकों का योग 1/4 हो और शून्यांकों का गुणनफल कितना हो, ऋण का 1 हो, तो क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। तो हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 + bx + c है। हम मान के हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान के हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो मान के हल करेंगे। माना द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स की घात 2, ए एक्स की घात 2 धन एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी है। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र। माना द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी है। और हम मान लेंगे, माना इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है, तथा माना इसके शून्यांक, इसके शून्यांक, इसके शून्यांक क्या क्या है? इसका पहला शून्यांक क्या है? अल्फा, और दूसरा क्या है? बीटा है। अल्फा और बीटा है। अब सवाल में हमको क्या दिया है? सवाल में दिया है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना दिया है? 1/4। तब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया है? 1/4। शून्य कौन कौन से है? पहले शून्य हमने क्या माने? अल्फा। पहले शून्य क्या माने हमने? अल्फा। पहले समझो फिर लिख लेना बाद में, ना समझ में आना चाहिए। पहले शून्य क्या माने हमने? अल्फा। और दूसरा हमने क्या माने? बीटा। योग कर दी मतलब इसको हमने जोड़ दिए। बराबर कहोगे बराबर, 1/4 कहोगे 1/4। शून्यांकों का योग, पहले शून्य हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया मतलब योग निकाल लिए। तो योग कितना है? 1/4। अब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? सूत्र, मैंने सूत्र लिखवाया था आप लोग को, कॉपी में लिखा होगा। देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बटे ए। क्या होता है? याद कर लो, कंठस्थ कर लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण का बी बटा ए। बराबर का बराबर, 1/4 का 1/4। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटा ए। याद कर लिए, बराबर 1/4 का 1/4। जहां अब मान निकाल लेंगे, ए के बराबर में कितना है? 4। ए के बराबर में कितना है? 4। मतलब ए का मान कितना आ गया? 4 कोमा। बी के बराबर में कितना है? 1। इधर का ऋण इधर चला जाएगा, तो बी बराबर जाएगा ऋण का 1, यहाँ का ऋण यहाँ चला जाएगा, तो बी का मान कितना जाएगा? ऋण उस तरफ चला जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा ऋण का 1। ए का मान कितना आ गया? 4। और बी का मान कितना आ गया? ऋण का 1 यहाँ पर निकल करके आ गया। बी का मान क्या आ गया? ऋण का 1 निकल करके आ गया। आ गया। इसके बाद अगला क्या दिया है? ये क्या दिया है? शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है? ऋण का 1। हमको दिया शून्यांकों का गुणनफल ऋण का 1। तो यहां पर हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर दिया ऋण का 1। शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है?
पहला शून्य हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा और दोनों का गुणा बराबर ऋण एक का ऋण का एक। अब अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है, याद कर लो, बिल्कुल कंठस्थ कर लो, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा में जब हम बीटा गुणा करेंगे तो वह हमेशा क्या आता है? सी बटा ए, बराबर का बराबर ऋण एक का हो गया ऋण का एक। इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिया हमने? एक मान ली, मान लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, यहाँ पर ए का मान कितना है? चार। यहाँ पर ए का मान कितना है? तो अलग अलग आ रहा है। अगर यहाँ पर चार है तो यहाँ पर भी हमें कितना करना पड़ेगा? चार करना पड़ेगा। और यहाँ पर चार कैसे होगा? खुद देखो, यहाँ पर एक का मान चार है और यहाँ पर एक का मान कितना है? एक है, तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा? चार। यहाँ चार कैसे होगा? तो यहाँ पर चार करने के लिए हम चार बटा चार का गुणा कर देंगे, क्योंकि चार कम कितना हो जाएगा? चार। इसलिए हम चार बटे चार का यहाँ पर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चार में चार गए, चार एक कम चार, एक बचा, बचा एक, तो एक का गुणा करो, फर्क पड़ता क्या? नहीं। इसलिए चार बटे चार का हमने कर दिए मल्टीप्लाई, सी बटा ए का हो जाएगा सी बटा ए, माइनस का माइनस, गुणा कर देंगे चार गुणित एक, चार एक कम हो जाएगा चार और बटा चार एक कम हो जाएगा चार। अब जहाँ ए का मान कितना है? चार है, इतने मान ए का, ए का मान कितना है? चार। ए का मान है यहाँ पर चार, ए बराबर कितना है? चार कोमा। बी का मान कितना है? ऋण का एक। बी का मान रख देंगे हम यहाँ पर ऋण का एक। और सी का मान कितना दिया है? सी का मान है ऋण का चार। सी का मान रख देंगे हम ऋण का चार। आगे मान क्या याद करना था हमको? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमने कितना माने थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये माने थे हमने। तो हम लिख लेंगे तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने क्या माने थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही माने थे हमने द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमने क्या माने थे? ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी। रख दो मान, ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? चार। x की घात दो हो जाएगा x की घात दो। अब b का मान कितना है? ऋण का एक, तो ऋण का हो गया ऋण, एक को लिखते हैं क्या? नहीं, x का हो गया x, धन का हो गया धन। c का मान कितना है? ऋण चार। c का मान कितना है? ऋण का चार। और यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद, मतलब आंसर। उतार लो उसको, है ना। देखिए कक्षा दसवीं गणित, है ना, इसी का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? द्विघात बहुपद के शून्याकों का योग कितना दिया है? दूसरा सवाल, है ना, दूसरा कर रहे हैं हम, है ना, इसका दूसरा, पहला कर लिया, अब दूसरा। द्विघात बहुपद के शून्याकों का योग कितना दिया है? द्विघात बहुपदों के शून्याकों का योग दिया है करणी दो। और शून्याकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्याकों का गुणनफल दिया है एक बटा तीन। हमको द्विघात बहुपद के शून्याक का योग करणी दो दिया है और शून्याकों का गुणनफल कितना दिया है? एक बटा तीन यहाँ पर दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो जब कभी भी द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या मान लेंगे? माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। है तुम्हारा नहीं होता है? जल्दी लिखो ना, फिर समझना है ना, अभी बाद में लिख लेना, पहले समझो ना, देखो ना, थोड़ा समझ दे दूंगा फिर लिख लेना। देखो यहाँ समझो अच्छे से, माना द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद हमने क्या मान लिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हर सवाल में यही करना है, पेपर में आते सवाल आई एम पी है। माना द्विघात बहुपद क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मान लिए। और हम ये मान लेंगे इसके शून्यक क्या है, तथा माना इसके शून्यक क्या है? अल्फा कोमा बीटा है। इस द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है? अल्फा कोमा बीटा है। क्या मान लिया हमने? अल्फा कोमा बीटा है। तब सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? करणी दो। क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? करणी दो। शून्य कौन कौन से माने हमने? पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, इन दोनों शून्यकों का योग, योग मतलब प्लस, योग मतलब क्या?
प्लस बराबर का बराबर, करणी दो का हो गया करणी दो, लेकिन बाद वाली संख्या में बटा में तीन है, बाद वाली संख्या में बटा में क्या है तीन। तो यहां भी बटा में तीन होना चाहिए, तो यहां बटा में तीन लाने के लिए हमने तीन बटा तीन का मल्टीप्लाई कर दिए। आया समझ मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि बाद वाली की बटा में क्या है तीन। तो इसके बटा में तीन होना चाहिए ना, लेकिन यहां सिर्फ करणी दो है, तो बटा में तीन लाने के लिए हमने तीन बटे तीन का क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब तीन करणी दो का हो जाएगा, देखो तीन इंटू करणी दो है तो क्या होगा, ये हल्का सा देख लेना, तीन इंटू करणी दो है तो जो हो जाएगा तीन करणी दो, सुधार लेना क्या हो जाएगा तीन करणी दो। थ्री इंटू करणी दो का क्या हो जाएगा तीन करणी दो, बटा तीन एक कम क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा। इसके बाद इतना समझ में आई नहीं आया, ए बराबर हो गया तीन और ये वाला ऋण यहाँ चल जाएगा, और ये भी क्या है तीन करणी दो है, इसको मिस्टेक हो गई है ना, तीन करणी दो है, क्या है तीन करणी दो है ना, ये भी हो जाएगा आपका तीन करणी दो हो जाएगा, तीन करणी दो आया कि नहीं समझ में, आ गया समझ में आ गया। ए बराबर हो गया तीन मतलब ए का मान आ गया तीन, और बी बराबर बी का हो गया बी, ऋण चल गया उस तरफ, तीन करणी दो हो जाएगा तीन करणी दो। अब हम क्या निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, क्या दिया यहाँ पर एक बटा तीन दिया, क्या दिया है दो शून्यक, कौन कौन से, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, और दोनों का गुणनफल बराबर कितना दिया है एक बटा तीन, और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, याद रखना बिल्कुल, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, और बराबर कितना दिया एक बटा तीन, यह अध्याय खत्म ही होने वाला है ना। अब ए का मान कितना आ गया, ए का मान कितना आ गया तीन, सी बराबर कितना है एक, और बी का मान कितना है माइनस तीन करणी दो है, बी का मान कितना है माइनस तीन करणी दो, यहाँ भी सुधार लेना, बी का मान कितना है माइनस तीन करणी दो, ठीक है बी का मान आ गया माइनस तीन करणी दो। ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो अब लिख लेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स की घात दो धन बी एक्स धन सी, ए का मान कितना है तीन, एक्स की घात दो का एक्स की घात दो, बी का मान कितना है बी का मान माइनस तीन करणी दो, बी का मान रख देंगे माइनस तीन करणी दो, एक्स का हो जाएगा एक्स, प्लस का हो गया प्लस, और वन का हो जाएगा वन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में, देखिए अब इसी का तीसरा नंबर का सवाल दूसरा सवाल बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग दिया है जीरो, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है करणी पाँच। क्या ज्ञात करना है आपको द्विघात बहुपद, जो ज्ञात करना होता है उसको हम कितना मान लेते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं मान के चलते हैं, तो मान लेंगे माना द्विघात बहुपद, क्या मान लेंगे द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c है, ये हो गया द्विघात बहुपद। तथा माना इसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन से है, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक क्या है बीटा है, इस द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन से है अल्फा कोमा बीटा है, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के शून्यक होगा अल्फा कोमा बीटा। तब क्या दिया है सवाल में, सवाल में दिया शून्यकों का योग कितना दिया है जीरो, तब शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है जीरो, शून्य कौन कौन से माने हमने अल्फा और बीटा, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, और दोनों का हमने क्या कर दिए योग बराबर कितना दिया है जीरो, इसके बटे में कुछ है क्या, जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं एक, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सूत्र से हमें से याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है ऋण बी बटा ए, बराबर का बराबर, जीरो बटा एक का हो जाएगा जीरो बटा एक। अब ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर एक हो गया, ए बराबर कितना हो गया एक हो गया, और बी बराबर कितना हो गया जीरो,
ऋण उस तरफ जाएगा तब भी क्या रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। हो गया जीरो। अगला क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हमको, करणी पाँच दिया। तो हम लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, करणी पाँच। शून्य कौन कौन से, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, और दोनों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, करणी पाँच। सूत्र क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, बराबर का बराबर, करणी पाँच का हो गया करणी पाँच। जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ए बराबर कितना आ गया, एक आ गया। बी का मान कितना है, जीरो। बी का मान कितना है, जीरो। और सी बराबर कितना है, करणी पाँच। सी बराबर कितना है, करणी पाँच। तब द्विघात बहुपद क्या है, क्या है माने थे हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है, एक। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, धन का हो गया धन। बी का मान कितना है, जीरो। एक्स का हो गया एक्स, धन का हो गया धन। सी का मान कितना है, करणी पाँच। अब एक को लिखते हैं क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स शून्यम शून्य, शून्य को लिखते क्या, नहीं, करणी पाँच है, करणी पाँच। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो कक्षा दसवीं गणित अध्याय दो बहुपद, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी वाला अपना ना, हमारा चौथा सवाल क्या बोल रहा है, हमको सवाल बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग और गुणनफल हमको नीचे दिए गए है। शून्यकों का योग कितना दिया है, एक, और गुणनफल भी कितना दिया है, एक। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। जो ज्ञात करना होता है हम उसको लेकर के चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। और माना इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा कोमा बीटा है। द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं, अल्फा कोमा बीटा है। अब क्या दिया हमको सवाल में, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है, एक। शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है, एक। शून्य कौन कौन से, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, और इन दोनों का क्या दिया है, योग बराबर कितना दिया है, एक। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया हमने, एक। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया हमने, एक। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, एक। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया हमने, एक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, याद कर लो, ऋण बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ऋण बी बटा ए, बराबर एक बटा एक का हो जाएगा, बराबर एक बटा एक, एक बटा एक का हो जाएगा एक बटा एक। ए बराबर कितना आ गया, एक। ए बराबर कितना आ गया, एक। बी का हो गया बी, इस तरफ पर उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ बन जाएगा माइनस एक। बी का मान हो जाएगा माइनस एक, हो गया। इसके बाद हम निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, एक दिया है। कितना दिया है, एक। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा यहाँ पर, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा, बराबर का बराबर, कितना दिया है, एक दिया है। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, बराबर का बराबर, एक का हो गया एक। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए, एक। अब ए बराबर कितना आ गया, एक। सी बराबर कितना आ गया, एक। और बी का मान कितना आया था, माइनस का, एक ये लिखा है, बी बराबर कितना, माइनस का वन आ गया था। क्या याद करना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या माने हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना, एक। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना, ऋण एक। एक्स का हो गया एक्स, प्लस सी का मान कितना, एक। एक को नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स स्क्वायर, ऋण का हो गया ऋण, एक्स का एक से कम, एक्स प्लस वन का प्लस का वन। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, पांचवा सवाल बोल रहा है ऋण एक बटे चार कोमा एक बटे चार, इसको भी हल करना है। तो क्या कैसे हल करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी है। और इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं,
पहला शून्य क्या है? अल्फा। और दूसरा शून्य यहाँ पर क्या है? बीटा। तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया है? ऋण एक बटा चार। शून्यकों का योग कितना दिया है? ऋण एक बटा चार। दो शून्य कौन कौन से? पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, इन दोनों का योग बराबर कितना दिया है? ऋण एक बटा चार दिया है। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बटा ए होता है, होता है बराबर का बराबर। ऋण एक बटे चार का ऋण एक बटे चार, ऋण से ऋण कट गया है। हाँ देखना ध्यान से, ऋण से ऋण कट गया, बी बराबर एक, ए बराबर चार, ए का मान कितना आ गया? चार आ गया। तब शून्यकों का गुणनफल कितना दिए शून्य को गुणनफल? एक बटा चार, ये लिख लिया हमने एक बटा चार। शून्य कौन कौन से? अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणनफल कितना है? एक बटे चार। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए, बराबर कितना है? एक बटा चार। ए का मान आ गया चार, बी का मान कितना निकाले हमने? एक, और सी का मान कितना निकाले हमने? एक। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा? ए एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है? चार। एक्स की घात दो का एक्स की घात दो, धन का हो जाएगा धन। बी का मान कितना है? एक, और एक्स का हो जाएगा एक्स, प्लस का हो जाएगा प्लस, और सी का मान कितना है? एक। चार एक्स की घात दो का चार एक्स की घात दो, एक्स एक कम एक्स, प्लस वन का प्लस वन। बाकी तुमने बहुत सही बोले, तेरे तुम्हारा भाई हेमराज और क्रिस साहू, ये दो लड़के मेरे पास पढ़ लेते ना, इनका 92 से ऊपर परसेंट में बनवा के दिखाता है कि नहीं। सो तो जिस बच्चे का 9वीं क्लास में कितना बना 91, वो बच्चा 10वीं में कितना बना रहा है? 73। यहाँ बैठ जाते ना वो, ज़्यादा नहीं 5 महीने 90 से ऊपर मैं ले आके दिखाता, तो पिछले साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो 10वीं क्लास का, है कि नहीं। भले कम बच्चे पढ़े, हेड़े नहीं है, भीड़ नहीं है, लेकिन सब बच्चे का 9th से बहुत बेटर ही गया है। और मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा जितना 9वीं में है बस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लो और जी जान लगा के पढ़ लो, तुम्हारा 10% ज़्यादा बनवाऊँगा मैं। कितना? 10 ज़्यादा बनवा के मैं दूंगा। और तुमने मेहनत करो तो तुम 20 भी ज़्यादा बना लोगे, 30 भी ज़्यादा बना लोगे, ग्रो करोगे। बस जितना बोल रहा हूँ उतना लगन से क्या करना है? पढ़ना है। अगला सवाल क्या है छठवा, बोलो क्या है? देखो अगला क्या है, 4,1। इसको भी ऐसे हल करेंगे। माना द्विघात बहुपद क्या है? एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्य कौन कौन से है? अल्फा कोमा बीटा। तब शून्यकों का योग कितना दिया है? चार दिया है, चार। शून्यकों का योग कितना दिया है यहाँ पर आपका? चार। कितना दिया है? चार। बटे में कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे? चार का हो गया चार, बटे में कुछ नहीं, क्या मान लेंगे हम? एक मान लेंगे, मान लिया हमने एक। इसके बाद चार बटा एक का यहाँ पर क्या जाएगा? चार बटा एक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ऋण बी बटा ए। ए बराबर कितना आ गया? एक। ए का मान कितना आ गया? एक। और ऋण उस तरफ चल जाएगा, बी का मान कितना जाएगा? ऋण का चार। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? एक दिया है। कितना दिया है? एक। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है हमारा? एक। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? एक। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? एक। गुणनफल कितना दिया है? एक दिया है, एक। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। बटम कुछ ने क्या मान लिए? एक। बटम कुछ ने क्या मान लिए? एक। ए का मान कितना आ गया? एक आ गया। बी का मान कितना है? ऋण चार। बी का मान कितना है? ऋण चार। और सी का मान कितना है? एक। सी का मान कितना है? एक। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स की घात दो प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है? एक। ए का मान कितना है? एक। बी का मान कितना है? ऋण चार। बी का मान रख देंगे ऋण का चार। और सी का मान कितना है? एक। एक को लिखते हैं क्या? नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा? ऋण का ऋण चार एक्स प्लस वन, और यही हो जाएगा आंसर। अध्याय दो क्या होगा तुम्हारा? पूरा खत्म हो गया।